क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है. इसमें बताया गया द रेडिएशन विथ वेवलेंथ 6561 एंगस्ट्रम फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स. द इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3×10⁻⁴ टेस्ला. इफ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ फॉलोड बाई द इलेक्ट्रॉन्स इज 10 mm देन फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. है ना, वो भी अप्रोक्सीमेट फाइंड करने के लिए कहा गया है. इन चारों में से कोई आएगा तो हमें पता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो सर्कुलर पाथ पर घूमता है. तो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज को छोड़ा जाए, है ना, तो ये सर्कुलर पाथ पर घूमेगा. तो इसका जो रेडियस है, रेडियस होता है एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये होता है. इसको अगर मैक्सिमम करना है, रेडियस मैक्सिमम करना है, तो मोमेंटम मैक्सिमम होना चाहिए. मोमेंटम मैक्सिमम तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, है ना. एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है. तो पी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई ई बी ऐसे लिख सकते हैं. तो के मैक्सिमम जो होगा ये होता है P मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. तो P मैक्सिमम का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2m इंटू के मैक्सिमम का रूट डिवाइडेड बाई E इंटू बी, ये हो गया R मैक्सिमम. यहाँ से हमें K मैक्सिमम का वैल्यू निकालना चाहिए. K मैक्सिमम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा E स्क्वायर B स्क्वायर R मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. ये आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग एक और तरीके से निकालते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से. वो आता है के मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन. ठीक, तो के मैक्सिमम तो यहां से हम लोग रखेंगे ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इज इक्वल टू एनर्जी जो होता है, इसको लिखा जाता है एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव. तो एच सी जो है वो आता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम ऐसे रखते हैं, और जो लैम्डा है उसको जो है एंगस्ट्रम रखेंगे 6561 कैंसिल होकर के जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, है ना. तो मैं हटा देता हूं माइनस वर्क फंक्शन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है. इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं. इलेक्ट्रॉन पर चार्ज में पता है, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है, है ना. बी का वैल्यू दिया गया है 3×10⁻⁴ टेस्ला. रेडियस का मैक्सिमम वैल्यू दिया है 10 mm, यानी इसको लिखेंगे 10×10⁻³ meter. तो E हो गया पता है, B पता है, R मैक्सिमम पता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, है ना, वो भी हमें पता होता है. तो ये सारी वैल्यू जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख देंगे. अब ये सारे क्वांटिटी रखने के बाद ये देखेंगे SI यूनिट में रखेंगे तो ये आएगा पहले जूल में. ठीक, फिर जूल में आएगा, उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज होता है उसे डिवाइड कर देंगे ना जब ई से, तो वो आ जाएगा किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. ठीक, अब तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो फाई की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा. ठीक, ध्यान रखना है ये आएगा जूल में, जो सारे वैल्यू रखेंगे इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है ना 1.6×10⁻⁹ उसे डिवाइड करेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे तो वर्क फंक्शन आएगा जो कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा. तो देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन सही ऑप्शन है यहाँ पर.